भागलपुर में भोलानाथ पुल एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। 2022 में मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया गया और इस पर स्वीकृति मिली और 100 करोड़ रुपए की लागत से भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो काफी तेजी से हो रहा है। इसमें 27 पाइलिंग का काम भी शुरू हो गया है। जल्द रोड की ढलाई से लेकर 3 किलोमीटर नाला बनाने का प्रावधान है। लगभग 125 किलोमीटर का यह पुल बनकर जल्द ही शहरवासियों के लिए सौगात के रूप में सामने आएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त, यातायात डीएसपी, सिटी डीएसपी के अलावे कई अधिकारी ने भोलानाथ पुल के कार्य का आज निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर की लोगों के लिए बड़ी सौगात बहुत जल्द सामने आएगी। इसके साथ ही अप्रोच पथ भी बनेंगे। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शहरवासियों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। अगर कार्य में अतिक्रमण के तहत बाधा उत्पन्न हो रहा है तो लोग स्वयं अतिक्रमण हटा लें। साथ उन्होंने कहा कि अन्य विभागों से भी तालमेल बनाया जा रहा है। जल्द रेलवे से भी बात कर इस पर एनओसी ले लिया जाएगा। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि दक्षिण क्षेत्र के लोगों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। भोलानाथ फ्लाईओवर का जो काम होना है, जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अगले एक साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ के लोगों को ये पुल सौगात के रूप में, जो मुख्यमंत्री का एक सपना था और सब लोगों का एक डिमांड था बहुत दिनों से, जिसकी परेशानी झेल रहे थे लगातार वर्षों से लोग, दक्षिण क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में ये परेशानी झेल रहे थे, तो अब उन परेशानियों से निजात मिलेगी। अगले एक साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है, जैसा कि जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया। साथ ही जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको भी साफ ये कहा है कि आप स्वयं या तो अतिक्रमण को वहाँ से हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक वो अतिक्रमण मुक्त उनसे कराया जाएगा। वो लोगों को सपोर्ट करें, जो इंजीनियर्स की टीम है, जो पुल निर्माण का कार्य कर रहे हैं लोग, उन्हें आप सहयोग करें, चूंकि ये पुल आप लोगों के लिए ही है, ऐसा कहना है जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि जो तमाम चीज़ें चल रही हैं भोलानाथ फ्लाईओवर को लेकर के, बहुत तेज गति से काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। फिर यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा और ये क्षेत्र भी पूरी तरह से बहुत ही क्लीन भागलपुर, ग्रीन भागलपुर के तहत बहुत ही अच्छा दिखेगा ये शहर और स्वच्छ और साफ दिखेगा। और यहाँ के लोगों की जो लंबे समय से बहु प्रतीक्षित मांग थी, जिसको लेकर के लगातार लोग आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन होते रहा, लेकिन अब उनको इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी जल्द ही और अगले एक साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ये तमाम बातें आज कही टीवी अंग प्रदेश से भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने, जिन्होंने कि इसका मुआयना किया। साथ ही लोगों से ये भी कहा कि अप्रोच रोड का भी जो है वो मिलेगा, अप्रोच रोड है इसमें और उस पर भी काम, जो इंजीनियर्स की टीम है वो बैठ करके इसको देख रही है कैसे अप्रोच पथ का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की है उन्होंने कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण हटा लें और कुछ जो जमीनें और भू अर्जन की जानी है वो भू अर्जन भी सरकार करेगी, कुछ कम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ और जमीनें हैं जो भू अर्जन के तहत लोगों से लिया जाएगा और उसके जो मुआवजा होगा वो सरकार वो राशि उपलब्ध उनको कराएगी। साथ ही लोगों से अपील की है उन्होंने कि आप जो पुल निर्माण में लगे लोग हैं उन्हें सहयोग करें, क्योंकि ये पुल आपके लिए ही, आपके सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ कहा जिलाधिकारी महोदय ने। आइए सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय ने भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण ब्रिज को देखने के बाद। देखिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भोलानाथ पुल जो काफी पुराना ब्रिटिश टाइम का पुल है, इसके ऊपर आरओबी की डिमांड बहुत सालों से यहाँ भागलपुर में रही है और जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी, फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके, और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है और इसमें काम की गति भी अच्छी है। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 30 के लगभग, शायद 27 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें PQC रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा, तो वो रोड की ढलाई का काम भी इस वीक या अगले वीक से जो है वो शुरू हो जाएगा। नाला, इसमें 3 किलोमीटर नाला बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी, एक तरह से काफ़ी समय से नाले का काम नहीं हुआ था, कच्चा नाला भी बहुत ज़्यादा है, खुला नाला है और पानी भी बहता है, तो वो भी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 किलोमीटर इसमें नाला बनना है, 125 किलोमीटर का लगभग ये पुल रहेगा
और पुल निर्माण निगम काम कर रहा है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं बिजली के पोल वगैरह को, उसमें भी अभी काम हुआ है और इनको शटडाउन देना है। तो बिजली विभाग इसको देख लेगा कि आम लोगों को भी समस्या नहीं हो और काम भी इनका तेज़ी से चल सके, उसको लेकर के भी हम लोगों का प्रयास है कि आपसी समन्वय विभिन्न विभागों के बीच बैठा करके, क्योंकि शहर में काम करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि घनी आबादी होती है, सीवरेज का होता है, पानी का भी पाइपलाइन का काम हो रहा है, शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो लोगों को कम से कम समस्या हो और अगले एक साल में ये पुल बन जाए, और जिस गति से काम चल रहा है, रेलवे के एक परमिशन की ज़रूरत है तो वो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी DRM साहब से बात करेंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले एक साल में ये बड़ी सौगात, लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और 22 में जो उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति दे दी थी कार्यक्रम के दौरान ही, तो ये बन करके तैयार हो जाए और अगले साल जो है एक बड़ी सौगात भागलपुर के क्षेत्र को और खास करके दक्षिणी क्षेत्र के आमजन को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है।